तक जी रीच फरीहा जी आप खाने पीने का शौक रखती हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरी होके हम लोग खाने का शौक ना रखें कैसे हो सकता है फेवरेट क्या डिश आपकी चाइनीज पसंद है बहुत बाबिकी अच्छा लगता है आप यू नेम इट माशाल्लाह सब कुछ अच्छा लगता है नहारी बिरयानी करेले गोश्त <laughs> 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 वो तो जरूरी है ना सर देखिए मैं कुक कुक भी कर लेती हूँ कौ, कौ, अच्छा? ले। हाँ जी हाँ जी तो ये तो हम कैसे माने या जाने चौबीस आग मिनट <laughs>

Uh, से ही पहचान बनी उसी से शोहरत मिली और ऐसी मिली कि मैं खुद भी हैरान रह गई कि यार ये कैसे इतना ऐसे कैसे होता है ऐसे नहीं बिल्कुल भी नहीं किया था मगर वासे प्लान द होल थिंग वो एक होती है ना किसी चीज की तैयारी जो होती है उससे नज़र आता है कि बिल्कुल ट करके जब सोचा जाए ना किसी चीज के बारे में तो फिर वो वही रिजल्ट आया उसका जैसा सोचा हुआ था जैसा सोचा हुआ पूरी टीम ने जी बिल्कुल बिल्कुल ओके उस तरह से? बिल्कुल, उस तरह तरह से से वो ऐसा कि जैसे मेजर नहीं की जाती कोई चीज के ये दस दिन के बाद ये हो जाएगा अगर हम इसको यूं करेंगे तो ओके. और वो बाकायदा बिल्कुल वैसा हुआ वहां से एक चीज भी हिली हुई नहीं थी उस वीडियो के अंदर मुझे याद है वाले साहब थे जी वो कौन थे क्यों को पैसे लेने <laughs> नहीं वो मुझे उस वाले बड़ा होता है मैं मैंने कभी किसी ड्रामे में उसमें देखा तो मैं ये ये कौन सा है ये? हमने जब वीडियो बना लिया उसमे सबने ये कहा कि कोई इतना बलमा भी है और सजना भी है सो वो बीच में क्यों नहीं है सो वो फिर फाइनली हमें बाद में एक वो एक वो कैरेक्टर डालना पड़ा अच्छा जी इसीलिए तो वो आपको बड़ी बात है आपको अब देखे ना उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ मगर मुझे शख्स याद है मैं सोचता हूँ कभी ना कहीं ड्रामे में नहीं देखा ना उसके बाद ना उससे पहले जी जी कौन है

और बिकॉज मैं मेरी इंटरेक्शन की मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी कि अगर किसी की तरफ देख के गाना हो मोहब्बत वाले एक्सप्रेशन देने हो तो वो कैसे देते हैं मैं उस वक्त इस बात को ईजी ले गई मैंने कहा हाँ बस आप शूट कर लें साइड पर खड़ा करके अच्छा आप समझ रहे तो इसलिए भी वो आई थिंक वो शूट आप उस तरह महसूस भी नहीं हो रही हाँ, कि पूरे गाने तो में अलग अलग सी थी, शूट। वीडियो में जी 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 वो अलग अलग हैं जी जी क्वेश्चन अलग मैम मेरा नाम हुरमा है मेरा सवाल आपसे ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के रुझान के बावजूद पाकिस्तान में आप म्यूजिक का क्या फ्यूचर देखती हैं डिजिटल रुझान की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्यूचर खतरे में है क्योंकि गाना जिस तरह से हम गाया करते थे और जिस तरह से म्यूज़िक अभी भी अभी भी मोस्टली तो वैसे ही म्यूज़िक बनता है उसी ड्यूरेशन का मगर क्योंकि हमारा जो स्पैन है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने का देखने का वो इतना शॉट हो गया है रील में हम मुबला oh, yes. हो गए हैं हम यूट्यूब के शॉर्ट्स में आ गए हैं तो शॉर्ट में तो आप इतना ही दिखा सकेंगे जितना शायद अब तो इश्तहार इस भी इससे बड़ा होता था हमारा आ, किसी भी प्रोडक्ट का सो इसलिए आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ा और और भी पड़ेगा अगर हम अभी भी उसी फेज़ में चलते रहेंगे मैं भी अक्सर आपने देखा होगा टिकटॉक पे भी और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे भी ये होता है कि अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है बस एक साइड पे खड़ी होती हूँ मैं कैमरा लगाती हूँ किसी भी उलिये में क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मैं फ़िल्टर लगाऊंगी तो अभी मेकअप भी हो जाएगा सो so, मैं जब वो फ़टाफट एक सेकेंड में करके हट जाती हूँ तो मुझे अब जाके इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि ये सही नहीं है ये चीज़ क्योंकि आप जब एक पूरा बना बनाया प्रोडक्ट किसी के सामने रखते हैं उसकी बात ही और होती है इस बार? तरह से नहीं होना चाहिए मेरा ये ख्याल बहुत है बहुत जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जन्नत है मेरा सवाल मैम से है कि आपने सिंगिंग किससे इंस्पायरों होकर स्टार्ट की इंस्पिरेशन दो बहुत सारे लोग थे uh, सबसे पहले मेरी खलाएँ uh, मेरी अम्मी की जो बहनें माशाल्लाह वो सारे इसी फील्ड से रिलेटेड थे और आरफा मेरी कजन है आरफा सिद्दीकी उनकी अम्मी अम्मीरफ मेरी सारी खालाएँ आरफा से बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस थी और बहुत उठना बैठना था मेरी बहन कोई नहीं है तो आरफा के साथ ही ज़्यादा टाइम गुजरता था और आशा भोसले बहुत पसंद थी मुझे सो so, मैंने उस दौर में मोस्टली जिस वोकल टोन में मैंने गाया है वो आशा जी की ही टोन थी उसी टोन को मैं फॉलो करके गाती थी फाइनली फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ आपको पता चलता है कि आपके खत्ते की आपकी मट्टी की आपकी जो बुनत हुई होती है उसकी आवाज़ फ़र्क होती है हम, हमारे आप नोट करेंगे कभी हमारे मुल्क में आवाज़ें फ़र्क हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर चेस्ट वॉइस यूज़ होती है जी असलमकम मेरा नाम ज़ुबाला है और मेरा क्वेश्चन यह है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का किस यौनरा का म्यूज़िक जो है वो रिवाइवल का हकदार है य तो जो सबसे ज़्यादा हमारा इग्नोर हुआ वो था हमारा क्लासिकल म्यूजिक जिसमें हमारे इतने इतने बड़े गवैये हैं और इतना इल्म है हमारे मुल्क में इस चीज़ का कि उसको बहुत इग्नोर किया गया और मुझे ऐसे लगता है कि अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला हो गया है क्योंकि वही म्यूज़िक उनके बच्चों में भी आया और एक से एक माशाल्लाह बच्चा अभी अगर मैं गवालियार घर आने की बात ही करूं जिसकी मैं शागिरदूँ उनमें एक आ, मुस्लिम आ, शगन आ, बहुत अच्छा गाते हैं इज़ अ वेरी यंग गाय एंड ही नोज़ माशाल्लाह क्लासिकल ऐसा गाता है वो कि मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता मगर हमारे यहाँ एक तो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ को कोई भी स्पॉन्सर भी नहीं करता स्पॉन्सर uh, भी अब हम हल्ला गुल्ला ही चाहते हैं हर वक्त मैं अब जाके सीरियस म्यूज़िक गाना चाहती हूँ जो शेर व शायरी सबको समझ में आए जिस बात में कोई दम हो अदरवाइज मैं भी ज़ाहिर वो काटा गाने में कितना टाइम लग जाएगा मगर हर वक्त हम जब भी कहीं बाहर आते हैं या किसी भी शो में जाते हैं तो एक ये जो फीलिंग है ना कि हमें हर वक्त खुश रखना है सबको हल्ला गुल्ला करना है शो में और यू you नो know, थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करनी है उस चक्कर में फिर अच्छा म्यूज़िक रह जाता है हालांकि जो असर है वो सीरियस म्यूजिक सीरियस में है वो सॉरी टच ही तब करते हैं आपको जब आप सीरियस गाना गाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम कशफ है मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल कोई भी सोशल मीडिया पे एक दो गाना गाता है और अपने आप को सिंगर कहने लग जाता है लेकिन जब आपका वक्त था तो इतनी मेहनत करके आपको जो है वो सिंगर बनना पड़ता था ये टैग मिलता था तो आपको क्या लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा ईजी नहीं बन गया है या बहुत ज्यादा इस चीज़ को कंफर्टेबल कर दिया गया लोगों के लिए कि वो अपने आप को एक गाने पर बेस पे कहते हैं कि हम सिंगर हैं देखिए एक्टिंग में अगर देखा जाए तो हम सबको नजर आ ही रहा है कि बहुत सारा टैलेंट हमारे सामने आता रहता है इसमें से बेतहाशा टिक टॉकर्स हैं इन्फ्लुंसर्स हैं वो मशहूर भी हो गए हैं वो नजर भी आना शुरू हो गए हैं वो ड्रामों में भी आना शुरू हो गए हैं म्यूजिक जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है कि म्यूजिक थोड़ी देर के लिए तो आप आ जाएंगे मगर सस्टेन करना आसान नहीं होता म्यूजिक आपको नज़र तभी आ सकता है जब आप बाकी कुछ होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ मीरा माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फरीहा मैम कि आपका मोस्ट फेवरेट गाना लेकिन आपको लगता हो कि ये मेरा गाना अंडर चला गया बहुत सारे गाने होते हैं मगर होता ये कि हम लोग बहुत सारे गाने गाते हैं एल्बम में पहले आपको पता है कि कैसेट होती थी उसमें बारह गाने बनाने पड़ते थे जिस गाने को आप प्रमोट करना चाहते हैं वो हो जाता है वो नज़र में आ ही जाता है जो गाने आप लोगों ने सुने ही नहीं है जाहिर है मुझे इसे लगता है कई दफ़ा के वो शायद अंडर हो गए हैं क्योंकि शायद मगर जो आपने सुने में वो सब वो नजर में आ ही जाते हैं जी आपके साथ अब हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट आपसे सवाल पूछूंगा और आपने उनमें से ही अपना जवाब ढूंढना है कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो पांच हजार विद आंसर कितनी दफा जाती हैं ये आपके ऊपर होगा इफ यू टू गो पहला सवाल आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी खातून आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर महविश हयात और माहिरा खान मेरा है सबा कमर सबा कमर होनी जी. चाहिए ठीक है ये बताइए आप एक स्पेस शटल में बैठी चांद पे जा रही हैं किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगे ऑल दो यू कम बैक जी किसको साथ लेके जाएंगे अपने चांद पे ऑप्शंस आपके पास जो हैं

फरहान सईद और आसिम आसिमजहर तो सेल्फी किसके साथ है बिलाल के साथ स्माइल किन को दे रही है? आसिम और फ्लोर आगे है फरहान सईद जी। जी। बिल्कुल ये बताइए मैडम लॉन्ग फ्लाइट पे है अमेरिका जा रही हैं आप बारह तेरह घंटे का सफर है साथ वाली सीट खाली है किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगे क्योंकि बारह तेरह घंटे आपने साथ बैठना है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फतेह अली शफकत अली और सजाद अली सजाद अली। सजाद अली भाई जी। होंगे ठीक है उनकी पूरी फैमिली मेरे बहुत करीब है। मेरी वही होंगे। ठीक है सजाद साहब हो गए टाइटैनिक जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और अता मेरा ख्याल है को छोड़ दो में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमेरा अरशद शाजिया मंजूर ममना मुस्तन और आयमा बेग शाजिया मंजूर को दे देते हैं शाजिया मंजूर को दे दी है शो एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया